सिगरेट में कोई जीता तो नहीं, खाने से जीता नहीं। तो खाना खाएंगे सिगरेट से क्यों जाएंगे? हाँ सिगरेट से क्यों जाएंगे, लोगों को क्या लगता है सिगरेट भाई साहब पी ली तो अपना आराम आ गया। जो लड़के पीती है इन्हें बहुत आराम मिलता है ना, आगे चल के पता चलता है कि यहाँ क्या होता है। क्या होता है बेटा, क्या नाम है तेरा? अंकित। अंकित बेटा, मैं बड़ी देर से तेरे को नोटिस कर रहा हूँ, तो कभी किसी के पास जा रहा है और अपना ये सामान दे रहा है उसको बेटा, तो लोग कोई ले लेता है कोई नहीं लेता बेटा, तो कितनी मेहनत करता है बेटा? भैया सुबह आते हैं रात में चले जाते हैं अपने घर देखभाल के। सुबह आता है और रात में चले जाते हैं। रात को चला जाता है बेटा। आपकी एज कितनी है? मेरी है 12। 12 साल के हो? हाँ। तो यही क्यों सामान बेच रहे बेटा, पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? मम्मी पापा नहीं है तो रहते किसके पास हो आप? मैं अपनी बुआ के पास हूं। तो बुआ नहीं बोलती बेटा पढ़ाई करने के लिए? मैं बुआ नहीं बोलती पढ़ाई करने के लिए आपको? वो आप ना आधार कार्ड बनाऊंगा ना मैं अपना, तो इसलिए आप फिर पढ़ने लगे। अच्छा आधार कार्ड बनाएगा फिर पढ़ने लगेगा, मन है तेरा पढ़ने का बेटा? हाँ। तो पढ़ाई आपने करनी है पक्का? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। पक्का भैया। तो भाई बहन नहीं है बेटा आपके? मेरे मम्मी पापा बचपन, जैसे मैं 2 साल पहले गुजर गए थे। 2 साल पहले गुजर गए थे? हाँ, यहीं पे सीपी में रहता था मैं। अच्छा कैसे गुजर गए थे बेटा? कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। अच्छा कार में कैसे, पूरा सारी बात बता। भैया जैसे मैं रहता था यहाँ पे पटरी पे, जैसे हम लोग आगरा से आए थे। अच्छा तो पटरी पे रहते थे बंगला साहब में। अच्छा तो पापा मम्मी एक्सीडेंट हो गए थे गुड़गांव में, बात है जब वो चिनाई प्लास्टर का काम करते थे। 2 साल पहले की बात है। भाई बहन कोई नहीं आपका? और बुआ के भी तो बच्चे होंगे बेटा? हाँ उनके हैं, वो मेरे को अपनी बेटे की समझ समझते हैं। अच्छा बुआ बेटा बेटा मान के प्यार कर, मतलब बेटे जैसा प्यार करती है आपको? कोई नहीं, ना कोई दुखार है ना कोई वो लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं, अपने प्यार से रखते हैं उनको। कैंडी खरीदता हूँ पैसे दे देता हूँ, जैसा अपना घर होता है ना वैसे ही रहता हूँ। अच्छा बेटा। और कोई खाने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे माँ प्यार करती है वैसे ही बुआ? माँ की तरह ही है वो। माँ की तरह मम्मी ही बोलता हूँ मैं। अच्छा तो और बुआ के अलावा और घर में और कौन प्यार करता है आपको? मेरे बड़े भाई भी करते हैं, सब करते हैं। अच्छा सब प्यार देते हैं, कोई वो नहीं देता। अब जब भैया गलती होती है सबसे होती है, तो गलती मारते हैं सब लोग, वो वैसे ही मारते हैं। वो समझदार है बेटा। तो बातें बहुत बड़े बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है बेटा, तूने दिल जीत लिया मेरा यार। मेरे को हैरानी हो रही है, तेरी उम्र 12 साल लगी नहीं थी मेरे को, तू तो बातें ऐसी कर रहा 18-20 साल का बच्चा होता ना बेटा वैसी बातें कर रहा, तो इतना समझदार कैसे, इतना ज्ञान कौन देता तेरे को बेटा? भैया जिसके मम्मी पापा नहीं होता उनको ज्ञान ही होता है, मेरे नहीं है। और जो जो जैकेट पहना हुआ है ना उसके भी नहीं है। तो इसके पीछे बेटा बात क्या, अगर तेरे को तेरे से दिल की बात पूछूं मैं, कि तूने जो बात बोली कि मम्मी पापा नहीं होते ज्ञान बहुत होता है, क्या कैसे मतलब तूने वाली बात बोली? भैया देख लो एक बार, तो आपके घर में कोई होगा नहीं, तो आपको कमाना होगा, आपको ही खाना होगा, और किसी के लिए भी जोड़ना होगा तो जोड़ोगे ना फिर, अब ये तो लुटाओगे तो वही हाल है मेरा ये। मतलब आप ये कहना चाहते हो बेटा कि आपको सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, सब कुछ आपने देखना है, आपने ही मेहनत करनी है, आपने ही पढ़ाई करनी है, और आपने ही बुआ को कुछ करके दिखाना है। और कुछ मन करता है बेटा तेरा डांस करने का? टीवी गिटार बजाने का डांस वो करता है। अच्छा गिटार सीखूंगा, गिटार अभी लूंगा, पैसे आ जाएगा तो लूंगा। ठीक है, रहता कहाँ पे बेटा? मैं इंडिया गेट पर, वो मानसी रोड है ना वहाँ, मजार पार्क है वहाँ पे, कभी भी आ जाना और अंकित नाम पूछ लेना। सारे जानते हैं हम लोग वहीं से आते हैं। अच्छा तेरा बर्थडे कब आता है बेटा? मेरा तो 7 जनवरी को निकल गया। 7 जनवरी को अगले बर्थडे आपको गिटार मिल जाएगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है ना, मेरे को पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखवा के जाना आप। भैया
यह एड्रेस मजार पार्क है ना। हाँ। मानसी रोड तो देखी होगी। हाँ बेटा, मानसी रोड मजार पार्क पूछ लेना, उसी में झुग्गियाँ बनी हमारी। अच्छा ठीक है तो अच्छा आगे क्या बनना बड़ा हो गया ये तो बताओ। भैया मेरे को तो बनना, जैसे अभी देखो अभी मैं पढ़ता तो नहीं, बस इतने हैं कि अच्छा रह जाए, पढ़ना आ जाए और थोड़ा गिटार सीख लूँ, तो ये रहेगा कि हाँ मेरे को जिंदगी में ना कुछ तो करा है। ये नहीं कि जिंदगी भर यही कमाने, थोड़ा पढ़ भी लूँगा, कमा भी लूँगा और सीख भी लूँगा। कई लोग कई बच्चे होते हैं ना बेटा भीख मांगते हैं। हाँ तेरे को मैंने ये देखा। मैं झूठ के बोलूँ, मैं भी भीख मांगता था और अब कैंडी बेचने लगा। अच्छा मतलब मेहनत करके कमाना अच्छा लगता है बेटा। भैया अब देखो चोरी तो करने ना, मांग के खा लो तो उसमें भी मैं वो लगती है मेहनत, क्या कोई डिस्का देता है कोई दे देता है प्यार से तो ले लेते हैं ऐसे। बहुत अच्छी बात बोल रहा है बेटा, तूने दिल खुश कर दिया मेरा आज। आज का दिन तूने मेरा इतना अच्छा बना दिया कि पूरा दिन तेरी बातें मेरे दिल और दिमाग दोनों में रहेंगे बेटा। क्या बोलूँ बेटा, बस कोई वर्ड ही नहीं बेटा, तूने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली बेटा। तेरे को अगर अब तूने सच में कुछ बनना है ना बाबू, तो बुआ को प्रूफ करके दिखा बेटा, अपनी बुआ तेरी बुआ जी को गर्व हो तेरे ऊपर कि मेरा बेटा आज यहाँ पर पहुँच गया है, आज मेरे बेटे ने ये हासिल कर लिया, आज मेरा बेटा ये नाम कमा रहा है। तो उनको बेटा प्रूफ कर, अगर तेरे को बेटा मानती है ना वो और तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो बेटा उनके लिए कुछ कर ज़िंदगी में। वो बेटा अगर कहीं जाए ना किसी जगह पर तो डंके की चोट पे बोले कि मेरे पास मेरा एक प्यारा बेटा है जो आज इस जगह पे ये बना हुआ है, अफसर बना हुआ है या कोई बड़ा बड़ी कंपनी का मालिक बना हुआ है। प्रूफ कर बेटा, वो सब कुछ पढ़ाई करने से होगा, समझ रहा मेरी बात? प्रॉमिस कर बेटा ये पढ़ाई वाली बात। वेरी गुड। तो अब कितना आपने सामान बेच लिया? मैंने अभी बोनी भी नहीं करी है, आप बुलाया तब मैं कुछ। तो ये कितने का सामान होगा बेटा? ये होगा 600 रुपए का या 500 रुपए का सामान है ये। अगर मैं आपको 500 रुपए दे दूँ, गलत जगह यूज़ तो नहीं करोगे इसको आप? नीचे करो इसको पहले, पक्का? प्रॉमिस पक्का, मेरे को विश्वास पूरा है। आप बस ये प्रॉमिस करो कि आप कोई गुटका वुटका इससे वो सामान। भैया वो नहीं करता, आपको देख लो आपने अभी तक इतने, आप तो अच्छे अच्छे को पहचान लेते हो क्योंकि आप वीडियो बनाते हो, तो मेरे को पहचान लो मैंने कुछ करा। हाँ ये है, पहले मैं करता था जब तक बुआ के घर, जैसे मम्मी के घर से आया हूँ ना तब से नहीं करता। अच्छी बात है, और आज के बाद ना कभी करना है। और आपका कोई दोस्त भी बोले करने के लिए तो क्या बोलना है? भाई गलत चीज़ है, गलती से मत करिए, ना सिगरेट पीनी बेटा ना गुटखा, जब इतनी मर्जी नो बता जाए बेटा ये काम करना ही नहीं, कभी नहीं करना बेटा ये वाला काम। वही बात है देखो, अब खाने तो जैसे सिगरेट में कोई जीता तो नहीं, खाने से जीता नहीं, तो खाना खाएंगे सिगरेट से क्यों जिएंगे? हाँ सिगरेट से क्यों जिएंगे, लोगों को क्या लगता है सिगरेट भाई साहब पी ली तो अपना आराम आ गया। जो लड़के पीती है इन्हें बहुत आराम मिलता है ना, आगे चल के पता चलता है कि यहाँ क्या होता है, क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, परिवार परेशान हो जाता है। तो तेरे जैसे जो भाई ऐसे मेहनत करते हैं वीडियो में देख के, उनके लिए क्या कहना चाहेगा, कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए वीडियो में देख के बता बेटा? भैया मेहनत की बात है देखो, अपने मेहनत का करके जाएंगे तो आगे चल के अपनी मेहनत के ही मिलेगा। आगे चल के अपनी मेहनत के मिलेगा और किसी मेहनत का नहीं मिलेगा, और जब आराम का खाएंगे तो आराम का ही निकलता है। अच्छी बात है बेटा। मेरे भाई भी इतने लोग कैंडी बेचते हैं, कोई भेलपूरी बेचता है इंडिया गेट पे, और जो ये मिथुन है ना ये भी भाई मानता है मेरे को, इसके ही मम्मी पापा नहीं है, मैं भी इसको भाई मानता हूँ। अभी बीच में क्या बोलते हैं हमारा जो जैसे 26 जनवरी आती है ना तो हम लोग को निकाल देते हैं वहाँ से मजार पार्क से, फिर रोड पर रहने लगते हैं, वहाँ रहे थोड़े दिन, ऐसे ऐसे होता है। डांस करना आता है थोड़ा बहुत? डांस तो आता है, अब सीखना पड़ेगा। 10 सेकंड के लिए मेरे साथ करो, फिर मैं आपको फ्री करता हूँ, इसको यहाँ रखो एक बार, इधर हल्का सा करो बस, तो मैं गाना प्ले करता हूँ बढ़िया सा, थोड़ा सा करेंगे बस मस्त वाला। कौन सा गाना लगाऊं? फिर गाना कौन सा आपका गाना बताओ, कौन सा गाना? साहू का गाना। साहू का? ओ तेरी, कौन सा वाला बताओ? इधर आ जा बेटा, थोड़ा सा कर दे बस स्टाइल से, मतलब जो मतलब नॉर्मल स्टाइल है, तूने इतना बड़ा दिल बड़ा कर दिया तो भैया के लिए इतना कर दे बेटा, थोड़ा सा करो, चलो स्टार्ट बेटा स्टार्ट करो।
अच्छा ये सामान मैं अब खरीद रहा हूँ तेरे से, ठीक है भाई। ये मैं आपको दे रहा हूँ पूरे 500, ठीक है। घर पे जाके बुआ को देने आपने, जो आपको इतना प्यार करती हैं, ठीक है बेटा। ये हो गए आपके पूरे 500। चल बेटा लव यू। ले जाऊँ मैं अब ये? नहीं लेके जा रहा, ये आपका गिफ्ट है, ठीक है। थैंक यू। नहीं गले मिल जाओ।